थैंक यू फॉर हैविंग मी रागिरी। अच्छा, इसमें तो पहले तो सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि जो मैंने कहा कि संगीत के संस्कार, और आपके यहाँ तो आपकी ग्रैंड मदर ने एक तरीके से आपके अंदर संगीत के बीज डाले, तो क्या कुछ याद आता है वो बचपन के बारे में, मुझे जरा कुछ बताइए। सी फ्रैंकली स्पीकिंग माई ग्रैंड मदर वॉज अ म्यूजिक टीचर, लेकिन इतना मैं ठीक तरह से सीख नहीं पाई बचपन में, क्योंकि मेरे दो वालिदे, माई फादर एंड माई मदर, दोनों डॉक्टर्स हैं, तो वेरी वेरी बिजी डॉक्टर्स। माई फादर इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, माई मदर इज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। तो बचपन में क्या थे, इन लोग मेडिकल कॉलेज में काम करते थे उधर, यू नो दे वेर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स। तो 7-8 स्कूल्स में मैंने पढ़ाई की है, तो ट्रांसफर तो होते ही रहते थे। तो क्या हुआ, ऐसा स्थिरता से जो बोलते हैं ना, तालीम में वो स्टेबिलिटी तो बहुत जरूरत है, वो मुझे मिला ही नहीं। वेकेशन में जाती थी ग्रैंड मदर के हाउस में, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, बस 2-3 हफ्ते के लिए जाती थी। तो कर्नाटक में जो तालीम मिलना चाहिए वो ठीक तरह से मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि इतना हमारा ट्रांसफर होते ही रहते थे। और बचपन में भी ज्यादातर ध्यान खेल में थे क्योंकि पेरेंट्स हैड नो टाइम, आई मीन बहुत एंकरेज किया मुझे कॉम्पिटिशन्स के लिए जाने के, लेकिन ये जो शास्त्रीय संगीत का जो अहमियत है ना, वो मुझे तब समझ में नहीं आती थी। और सच बोलूं तो मुझे तालीम ठीक से मिला ही नहीं बचपन में, लेकिन यू नो टैलेंट तो थी, इसलिए कॉम्पिटिशन्स में गाती थी, प्राइजेस मिला मिलते थे। लेकिन अभी सोच के मुझे बहुत जो बोलते रिग्रेट होता है, अफसोस होता है, कह रहे मैंने कुछ नहीं किया बचपन में, बहुत कुछ सीख सकते थे लेकिन हुआ ही नहीं। अच्छा गायत्री, होता क्या है जब हम लोग आर्टिस्ट से बात करते हैं और खासतौर पर शास्त्रीय संगीत से जुड़े कलाकारों से बात करते हैं, तो एक बहुत संकोच होता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बदमाशियों की बात नहीं हो पाती है। तो आपने तो बता दिया कि आप बचपन में खेलने कूदने में काफी एक्टिव रहती थी, कोई बदमाशी कैसी शरारतें करती थी ये बताइए जरा। बहुत ज्यादा ही करते थे, क्योंकि स्कूल में मुझे याद है इवन इन सेकेंड स्टैंडर्ड एक इंटरवल मिला मैंने सहेलियों को लेके कुछ शॉप में जाके, उस टाइम पे वो आइस, उसको क्या जिप अप बोलते थे, यू नो जिप अप मैंने सबके लिए खरीदा और मेरे घर लेके चली। 1 आवर वेंट बाय, नोबडी रियलाइज्ड, तो वी वर एट होम चिलिंग। लेटर द स्कूल अथॉरिटीज गॉट स्केयर्ड एंड कॉल्ड, और मुझे हेडमिनिस्ट्रेस के ऑफिस में बुलाया, और 1 आवर आई हैड टू स्टैंड इन द सन लाइक दिस, यू नो। सो आई वॉज नॉट अ वेरी यू नो स्टूडेंट, आई मीन आई वॉज गुड इन स्टडीज बट आई वॉज वेरी वेरी नॉटी। तो बहुत मुझे यू नो उस टाइम पे, अभी तो इतना स्ट्रिक्ट है, मारना नहीं चाहिए टीचर्स, मालूम है ना, बहुत नए रूल्स आए हैं, ऐसा नहीं कर, लेकिन उस टाइम पे तो केन का ऐसा निशाना आके यू नो बहुत मिला है। लेकिन व्हेन आई थिंक ऑफ इट वाज लाइक सुपर फन, यू नो वी हैड अ वेरी नाइस चाइल्डहुड, तो इट वाज गुड गुड फन एक्चुअली। तो वो जिन टीचर्स से केन पड़ा हाथ पे, जब आप म्यूजिक में आपने अच्छा खासा नाम कर लिया अपना, तो कभी उनसे बात हुई और कभी उन्होंने कहा कि भाई हमने तो सोचा नहीं था कि तुम इतना आगे जाओगी? नहीं नहीं एक दो टीचर से अभी भी टच है कैलिकिट में, तो उन लोग बोलते थे तुमको तो क्लास में फ्रंट रो में कभी दिखता ही नहीं, क्योंकि पूरे टाइम स्टेज में ही है, यू नो कुछ ना कुछ ना ड्रामा। तो नाउ दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, यू नो आई मीन आई कीप टॉकिंग वंस इन अ वाइल, एंड आई मीन ऑब्वियसली बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं या गजल सिंगर बनूं, ये सब मैंने सोचा ही नहीं था, ये सब डेस्टिनी है। बहुत यू नो बाद में ये सब रियलाइजेशन हुआ कि प्रोफेशनल, ये प्रोफेशन बनाना है, ताकि मेरे हस्बैंड तो बचपन से ही उनको मालूम था कि ये प्रोफेशन बनाना ही है, यू नो इन लोगों को 3 साल से तालीम मिला है, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। तो सबके साथ यू नो साइंस फालतू का किया, साइंस का डिग्री अभी कुछ एप्लीकेशन ही नहीं है तो जो किया है उसका कुछ एप्लीकेशन ही नहीं है, तो अभी क्या है, ऐसा हुआ, कुछ नहीं कर सकते। नहीं लेकिन गायत्री, फिर ये तो खैर बचपन की बात हो गई, और परिवार में म्यूजिक के टीचर के होने के बावजूद सिंसियरली या सीरियसली नहीं सीखा शुरुआत में, लेकिन फिर वो समय कब आया जब आपने सिंसियरली सीखना शुरू किया, सीरियसली सीखना शुरू किया, और वो कैसे, मतलब वो क्या हुक था, क्या लगा कि नहीं सीखना चाहिए?
बहुत अलग ही बात है, क्योंकि जो 12th मैंने तो साइंस किया, उसके बाद बीए मैंने लिटरेचर किया, इंग्लिश लिटरेचर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कॉलेज, जैसे मैंने बोला, कॉलेज कंपटीशन मुझे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट मिला लाइट म्यूजिक में। तो ज्यादा छोटा छोटा मोटा रिकॉर्डिंग्स शुरू किया, यू नो, मैं गाती थी क्रिश्चियन डिवोशनल, ये सब स्टूडियो में जाके गाना शुरू किया। तो तब बहुत अच्छे म्यूजिशियंस से मेरा मुलाकात हुई। तो इन लोगों ने मेरी आवाज सुन के मुझे बहुत सारे गजल का कैसेट्स दिया सुनने के लिए। उस टाइम पे कैसेट्स थे, तो मैंने गजल कभी सुनाया ही नहीं, सुना सुना ही नहीं। तो पहली बार मैंने जगजीत सिंह जी को सुनने का मौका मिला, हरिहरन जी, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, फिर परवीन सुल्ताना जी, किशोरी अमोनकर। तो एक अलग ही नई नया जो दुनिया है मेरे, यू नो, मेरे सामने आया। तो मैंने सोचा, अरे ये तो बहुत रूहदार संगीत है। तो कर्नाटिक से बहुत अलग है, कर्नाटिक ऑल्सो आई लाइक, बट वोकल स्टाइल, आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाई हिंदुस्तानी म्यूजिक। सो आई वॉज लाइक, आई रियली वॉन्ट टू लर्न द स्टाइल ऑफ सिंगिंग, यू नो। तो मैंने थोड़ा कोशिश की गजल सब कैसे सुन के पढ़ने के लिए, लेकिन उससे तो बात होगा ही नहीं। अगर सीखना है तो अच्छी तरह से सीखना ही पड़ेगा। तो अलका मारुलकर जी उस टाइम पे पूना से कुछ ने कॉन्सर्ट के लिए आई थी, और मैं सुनने के लिए गई, और मुझे ऐसा प्यार हुआ, यू नो, व्हेन आई हर्ड अ लाइव कॉन्सर्ट, इट्स ब्यूटिफुल सिंगिंग। तो मैंने उनसे पूछा, मैं आपसे सीखूं, मुझे तालीम लेने का बहुत ख्वाहिश है। तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं तो बिगिनर्स को नहीं सिखाती हूँ, और आपको तो हिंदुस्तानी मालूम ही नहीं है, आपने, यू नो, कुछ बेसिक्स भी मालूम नहीं है, तो चलो ठीक है, खैर कुछ तो गाओ। तो मैंने कर्नाटिक जो भी मुझे मालूम है एक छोटा सा भजन गा के सुनाया, और उसको उनको बहुत अच्छा लगा। और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से मैं पूना गई हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखने के लिए। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा केरला से कोई नहीं जाती थी नॉर्थ इंडिया में म्यूजिक सीखने के लिए। तो मैंने, यू नो, आई टुक दैट डिसीजन थैंक्स टू द एनकरेजमेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स। और 2 साल पूरा बेसिक्स, यू नो, पलटा वल्टा, कैसा आकार तान, ये सब मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे नोटेट करना भी मालूम नहीं था, सच में बताओ मुझे, ये कोमल ऋषभ ये सब मालूम ही नहीं था ऐसा होता है, क्योंकि एकदम मैं पैरट जैसा कैसेट से सीखती थी। तो जो बेसिक फंडा है म्यूजिक का, थियरी, कुछ नहीं मालूम थी मुझे। तो उन्होंने ऐसा अच्छा तालीम दिया मुझे, और 2 साल मैं पुणे में रह के मेरा बेसिक फाउंडेशन जो है अच्छा उन्होंने बिल्ड किया। मुझे विलंबित क्या था ये सब मालूम ही नहीं था, क्योंकि कर्नाटिक में विलंबित तो है ही नहीं। तो ये अलग अलग जो ताल है, रूपक, झत्ता, कुछ मालूम नहीं था। सो ये सब थोड़ा सीखा उनसे। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मेरा प्लेबैक का कॉलिंग आ गया। एक चांस मिला मुझे यशुदास जी के साथ ड्यूएट गाने का। उसके बाद इलेराजा सर का कॉल आया। तो पूरा पूरा फील्ड शिफ्ट हुआ, हिंदुस्तानी से प्लेबैक में शिफ्ट हुआ। मैं पहले दो बातें बता देता हूँ, उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। पहली बात तो ये कि इंटरव्यू की शुरुआत में आप कह रही थी कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, रूदारी, तालीम, ख्वाहिश, मतलब मैं अब ये कह सकता हूँ कि मैं हिंदी भाषी हूँ, बचपन से पैदाइश उत्तर प्रदेश की है तो हिंदी ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि आपकी हिंदी भी बिल्कुल अच्छी है, इसलिए कोई उसकी जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज मैं यही जानना कहना चाह रहा था कि जितना आपसे बातचीत करके और आपके बचपन को समझ के लग रहा है कि आपने एक संगीत की अगर एक अनंत यात्रा जो है, उस यात्रा में आपके शुरुआती कदम जरूर बहुत मुश्किल भरे रहे कह लें, या बहुत सिंसियर नहीं रहे, लेकिन फिर आपने पिकअप बहुत जल्दी किया। गुजारिश ये करूंगा कि आपने चूंकि डिवोशनल म्यूजिक की बात की थी, तो कुछ कोई एक डिवोशनल कोई भजन अगर आप हमें गुनगुना के सुनाना चाहें तो प्लीज। तुम हो दाता, भाग्य विधाता, तुम हो दाता,
भाग्य विधाता तुम्हारी दया हो जाए स्वामी, तुम्हारी दया हो जाए। लोभ कपट और मोह की नागिन, लोभ कपट और मोह की नागिन, जगत रही लिपटाए स्वामी, तुम्हारी दया हो जाए। तुम हो दाता, क्या बात है। और इसी से जुड़ा अगला सवाल यह है, जिसका जिक्र आपने भी किया और जो प्रश्न मैंने सोचा भी था कि मैं आपसे पूछूंगा। प्लेबैक सिंफनी में आपकी शुरुआत ही यसुदास जैसे कलाकार के साथ हुई, जो मतलब हिंदी फिल्मों में भी जिनके गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं। तो इतने बड़े कलाकार के साथ जब कोई प्लेबैक सिंगिंग का करियर शुरू कर रहा हो, जिसका मौका आपको मिला, तो एक तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, और एक सीनियर गायक और एक बड़े कलाकार के तौर पर यसुदास से सीखने को क्या कुछ मिला गायत्री जी को? देखिए उस जमाने मतलब तब भी ट्रैक का तो सिस्टम था, तो मैंने रिकॉर्ड किया त्रिशूर में, उन्होंने रिकॉर्ड किया चेन्नई में। तो अच्छा। मैं वो मुझे वो, साथ में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद वो मामूटी जी का मूवी था, रिलीज हुआ, तब मुझे पता चला कि ये डुएट है, यशदास जी के साथ है। तो मुझे बहुत हैरान हुआ और ऐसी खुशी हुई। लेकिन उसके बाद उनसे मिले, बहुत बार मिले, एक एक पार्टी में मिले और उन्होंने बोला तुमने तो बहुत अच्छा गाया, और कम से कम 2-3 महीने में उनका कॉल आया मुझे टूर के लिए। तो उनके साथ बहुत कुछ टूरिंग करने का मौका मिला, कुवैत, दुबई, बहुत सारी जगह। तो स्टेज में उनके साथ बहुत डुएट्स गाए और बहुत कुछ सीखने को मिला। एक दिन मुझे याद है, मैं वी वर स्टेइंग इन हिल्टन इन कुवैत, तो ही वाज स्टेइंग इन माय नेक्स्ट रूम, और मैं सुबह से रियाज करते ही जा रही हूँ, सुबह से यू नो एक दो घंटा 1.5 आवर्स आई वाज सिंगिंग। और फिर लंच के टाइम साथ में हम लंच कर रहे थे, तो यशदास जी ने बोला मैंने सुना तुम्हारा रियाज, तुम आहिर भैरव गा रही थी, अच्छे से मेरे रूम में आवाज आ रही थी, बहुत अच्छा गाया, लेकिन ये सोचो आज तुम्हें तो कम से कम 8-10 गाना स्टेज में परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मेंस के दिन इतना स्ट्रेन मत करो आवाज को, आधा घंटा ही ठीक है, जस्ट डू रियाज फॉर 1/2 आवर ऑन द डे ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें, यू नो ही सो स्वीट। एक बार मुझे याद है सिंगापुर भी हम एस्प्लेनेड में साथ में परफॉर्म किया था, तो फ्लाइट में ही वॉज सिटिंग, तो आई यूज टू आस्क हिम अ लॉट ऑफ डाउट्स एंड ही वुड आंसर एवरीथिंग प्रॉपरली, एंड ही यूज टू से प्रिपरेशन इज द रीजन फॉर कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन इज द की फॉर सक्सेस। प्रिपरेशन अच्छा है तो स्टेज में कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। तो वो स्टेज, वो पूरा फ्लाइट में बैठ के एक कर्नाटिक कृति उन्होंने लिखा, क्योंकि वो कर्नाटिक तो माहिर है, उनका कर्नाटिक भी एकदम मशहूर कलाकार है, कर्नाटिक में भी प्लेबैक के तो प्लेबैक तो है ही। तो सिंगापुर में लैंड करके ये मुझे ये कॉम्पोजिशन फ्लाइट में आया, मैं तुमको सुनाता हूँ। तो ऐसा इट्स सो यू नो इट इज सच एन एनरिचिंग एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस टू closely associate with people like Yashodas ji, and who is now Padma Vibhushan. So from my career days, he's always been so, so encouraging. Abhi bhi baat to hota hi hai. So I'm very, very lucky to have his guidance. ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।